वेलकम डिफेंस एस्पिरेंट टू माई चैनल द मिलिट्री माइक। गाइस आज की वीडियो में जो है वो मैं आपको हवलदार एसएससी के जैसे रिक्रूटमेंट अभी आई है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा कि जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से शुरू हो रही है, ऑफिशियल नोटिस आ चुका है, ऑफिशियल नोटिस में जो है वो कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एज क्राइटेरिया क्या है, वैकेंसी कितनी है, कौन कौन से कोर्सेज वाले अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक बीएससी बीए कौन कौन से कोर्सेज एलिजिबल हैं और कौन से नहीं है, एंड इसमें जो है वो आपकी डेट्स कब से बताएं, यानी रजिस्ट्रेशन जो है वो कब से शुरू हो रही है इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। बट उससे पहले अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का फायदा ये होगा कि कुछ वीडियोज के अपडेट जो है वो आपको यहाँ नहीं दे सकते, तो वहां पर शॉर्टली जो है वो दिए जाते हैं, सो यू कैन चेक इट आउट। सो गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो रजिस्ट्रेशन की डेट्स हैं वो कौन कौन सी है, यानी आप कब से कब तक जो है इसको फिल कर सकते हैं। सो गाइस आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ हवलदार एसएससी बैच 2019 इन इंडियन आर्मी विल ओपन फ्रॉम 1st अक्टूबर 2019 टू 30th अक्टूबर 2019। सो गाइस आज 30 सितंबर है तो कल से जो है वो रजिस्ट्रेशन शुरू है, एक महीने का टाइम आपके पास इसको फॉर्म को फिल करने के लिए। अब बात करते हैं इसके ऑफिशियल नोटिस के बारे में कि ऑफिशियल नोटिस में क्या इन्फॉर्मेशन इन्होंने ऐड की है। सबसे पहले स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। सो गाइस यहां पे आप देख सकते हैं, मैं जूम इन कर लेता हूं। सो यहां पे लिखा है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन हवलदार एसएससी बैच 2019। गाइस शॉर्टली बताऊंगा, पूरे इसको रीड करने लगे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो गाइस सीधी आपको वैकेंसी की बात करें, 20 वैकेंसी है इसमें, जैसे कि इससे पिछली रिक्रूटमेंट आई थी उसमें भी 20 ही वैकेंसी थी। और यहाँ पे लिखा है दीज वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड मे बी चेंज एट एनी स्टेज। चेंज भी हो सकती हैं, बढ़ भी सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, ये बात की बात है। लेकिन फर्स्टली जो है आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया को फॉलो करना है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इन सर्विस एंड सिविलियन कैंडिडेट आर एज गिवन बिलो। देखिए इसमें अप्लाई जो है वो जो इन सर्विस हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे जो इससे लोअर रैंक के होते हैं, लांस नायक नायक एंड सिपाही रैंक के, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके पास भी ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है। एज लिमिट की बात करें तो आप एज लिमिट भी देख सकते हैं, क्योंकि कमेंट सेक्शन में बाद में जो है वो एज लिमिट का काफी ज्यादा जो है वो कमेंट्स आते हैं कि क्या रहेगी एज लिमिट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है 1st अक्टूबर 1994 टू 1st अक्टूबर 1999, इसके बीच के कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं, ऊपर नीचे के नहीं। ओके इन सर्विस का तो देखने का फायदा नहीं, जो इन सर्विस कैंडिडेट है वो डिस्क्रिप्शन में इसका जो है लिंक आपको दे दूंगा, वहां से देख सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बिकॉज कैंडिडेट्स का कहना होता है कि मैंने ये कोर्सेज किए, ये किए, मैं एलिजिबल हूं कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने लिखा है द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ हवलदार एसएससी आर एज अंडर। फर्स्टली बताया द इंडिविजुअल होल्डिंग बी ए बी एस सी विद मैथमेटिक्स, मैथ्स होना जरूरी है, मैथ्स नहीं है तो अप्लाई मत कीजिएगा, आपको वो रिजेक्ट कर देंगे। एंड हैविंग पास 12th क्लास, जो आपकी 10+2 है उसमें आपके पास साइंस होना चाहिए और मैथमेटिक्स भी होना चाहिए एज अ मेन सब्जेक्ट। ओके ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में दीजिए। ओके और नीचे नोट लिखा है द अबव मैंडेटरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड बी एक्वायर्ड बाय इंडिविजुअल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज। All the educational qualification criteria are common for in-service and civil candidates. देखिए मैंने कहा था आपको कि जो in-service है उनके लिए भी जो है graduation की degree होना जरूरी है, जैसे ये ऊपर लिखा गया है जैसे BA, BSc होनी चाहिए, उनके लिए भी compulsion same ही method रहेगा। Medical criteria आपका जो है, medical के ऊपर आपको video मिल जाएगी, आप इसकी video जो है मेरे description box में होगी, अगर आप medical के बारे में जानना चाहते हो तो वहां पे आप देख सकते हैं, क्योंकि medical standard जो है maximum same ही होते हैं। Physical standard की बात करें तो हाइट क्राइटेरिया भी आप देख सकते हैं, वेस्टर्न ईस्टर्न क्या क्या सेंटीमीटर्स में दिया गया है, वेट क्या है। वेट तो आर्मी के आप कोई भी रिक्रूटमेंट लगाओ मिनिमम 48 आपका वेट जो है वो होना ही चाहिए। फिजिकल फिटनेस की बात करें तो यहाँ पे लिखा है 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर की रनिंग आपको करनी है। मिनिमम टाइम पीरियड होगा 5 मिनट 30 सेकेंड एंड सेकेंड ग्रुप का होगा 5 मिनट 45 सेकेंड का। पुलअप्स आपको 6 मिनिमम लगाने हैं और जिग जिग बैलेंस और 9 फीट डिप जो है ये क्वालिफाई करने का है। ओके स्क्रीनिंग में आपके पास होगा कैंडिडेट फाउंड एलिजिबल विल बी इश्यूड विद एडमिट कार्ड फॉर इनिशियल स्क्रीनिंग विच विल इंक्लूड चेकिंग ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट फिजिकल फिटनेस टेस्ट फॉलोड बाय मेडिकल एग्जामिनेशन एट रिस्पेक्टिव हेडक्वार्टर्स रिक्रूटिंग जोन। देखिए स्क्रीनिंग का फंडा यह है कि पहले आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, उसके बाद आपकी स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग में इंपॉर्टेंट क्या रखता है, बिकॉज
कुछ कैंडिडेट्स ऐसे ही चले जाते हैं, चाहे उन्होंने बीए बीएससी जो है विदाउट मैथ्स किया हो, फिर भी वो चले जाते हैं रिक्रूटमेंट के लिए। इसलिए यहाँ पर इनके जो है वो डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, आफ्टर दैट आपको जो है रिटर्न के लिए भेजा जाएगा। रिटर्न के ऊपर आप देख सकते हैं मैथ्स होगा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इसके ऊपर वीडियो आपको मिल जाएगी। सिलेबस और जो सिलेबस ही अभी तक मैंने प्रोवाइड किया है तो आपको वो मेरे चैनल में मिल जाएगा। मॉडल टेस्ट पेपर आपको जल्दी ही लेके आऊंगा, क्योंकि मॉडल टेस्ट पेपर इजिली मिल नहीं रहा है, तो अगर मेरे को कहीं से मिल जाता है तो आपको वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कि नेगेटिव मार्किंग भी है, ये शायद आपको मैंने पहले बताया नहीं था। ओके सो गाइज, आगे तो ट्रेनिंग का बताया है, हाउ टू अप्लाई, ये तो सिंपल मेथड है, आपने लॉग इन करना है, जैसे आपकी आईडी बनी है वहीं से आपको जो है नीचे जो है वो इसका हवलदार एसएससी का कॉलम खुल जाएगा। ओके सो गाइज, बाकी फर्दर ज्यादा डीप आपको इसको पढ़ने की, लेकिन आप नोटिफिकेशन को प्लीज पूरा जरूर पढ़िए, अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो इसे पूरा पढ़ना जरूरी है, बिकॉज कभी कभार छोटी छोटी चीजें हैं वो छूट जाती हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड गाइस, हवलदार एसएससी की वैकेंसी ही इकलौती वैकेंसी रह चुकी है हवलदार के लिए, एजुकेशन हवलदार की नहीं रही है। सो प्लीज इसके लिए जो है वो अपने जो स्ट्रगल है, अपनी जो मेहनत है वो शुरू कीजिए। एंड गाइस, फॉर मोर अपडेट्स कंसर्न विद इंडियन मिलिट्री, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल द मिलिट्री माइक।